पिछली वीडियो में हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय बहुपद दे रखे थे और हमें जीरोस फाइंड करने थे, जीरोस और कोफिशियंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी हमें। अब क्या है, अब 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट, योग और गुणनफल दिए होंगे और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद बनाना होगा। पिछली बार द्विघात बहुपद दिया था, इस बार द्विघात बहुपद बनाना है, हमें द्विघात बहुपद ही फाइंड करना है आपकी बार। तो ये मैं एग्जाम्पल जहां हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकती हो। अच्छा, ये दो तरीके हैं, एक तो मैं अपने तरीके से पहले करा देता हूँ इसको। जैसे ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्य को का योग, सबसे पहले इसने योग दिया तथा गुणनफल, बाद में इसने गुणनफल दिया। अब क्रम से, क्रम से का मतलब यह है कि जो पहले दिया जो इसने ये पहले दिया यहां पर इसने योग दिया, तो योग हो गया हमारे पास 3। और जो इसने बाद में दिया ये गुणनफल, गुणनफल हमारे पास हुआ 2 प्रोडक्ट। क्रमशः का मतलब ये होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमें दे रखा है सबसे पहले वही लिखें। इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। अब दिया क्या है हमें, ये है ना योग, कितना दिया था, -3। योग मतलब, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है शून्यक और एक होता है योग। अगर शून्यक दिया होता तो एक हो जाता हमारे पास अल्फा और एक हो जाता हमारे पास बीटा, अल्फा हो जाता -3, बीटा हो जाता 1। लेकिन ये योग नहीं, ये शून्यक नहीं है, ये योग है। और ये अल्फा सिर्फ अकेला अल्फा योग नहीं होता, योग का मतलब है अल्फा और बीटा का प्लस। तो जो हमें अब -3 मिला है ये योग है, योग, योग का मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा प्लस बीटा मिला है -3। और अल्फा बीटा मिला है 2, योग का मतलब प्लस, और गुणनफल मतलब बीच में कोई निशान ना हो तो भी गुणनफल कहलाएगा 2। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा बराबर में 0 जरूर लगाएंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसी रहा माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो यहाँ मिला ये रहा -3 मिला है। फिर उसके बाद एक्स ब्रैकेट है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ली है हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3। फिर उसके बाद प्लस, फिर ये है हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब 2, ये है 0। क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3x और ये प्लस 2,
इज इक्वल टू जीरो। ये देखो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब ये अगर हम बुक बुक में जैसे दे रखा वैसे करें तो ये इस तरह से किया है कि अल्फा और बीटा ये हम मान लेते हैं कि दो शून्यक हैं, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद अल्फा और बीटा हमारे पास दो शून्यक हैं, अल्फा बीटा हमारे पास मिला माइनस तीन, और ये होता क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब ए बटे में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर वन आ गया। इसके बाद यहाँ अल्फा बीटा कितना मिला है टू, बटे में कुछ नहीं वन सी अपॉन ए। अब यहाँ पर ए के सामने क्या है वन, यहाँ ए के सामने क्या है वन, तो यहाँ से हमें ए मिला वन, बी के माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, बी के सामने कितना है थ्री, और उसके बाद सी, सी के सामने कितना है, सी के सामने है टू। अब ये देखो, अब इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दें ए बी सी को, ए की जगह पर वन, वन की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की मल्टीप्लाई तीन में तो थ्री एक्स, और सी दो रहा जीरो। अब ये जो हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये ही हमें यहां मिला था। इसी तरह से ये हमारा फॉर्मूला बना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये होते हैं हमारे पास जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट। तो सम एंड प्रोडक्ट अगर हम इसको लगाएं तो इसकी जगह पर ये आ जाता है। अभी जैसे हमने किया था ए एक्स स्क्वायर, अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है ना, तो यहां ये माइनस बी यहां पर आया। अब अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इसके फॉर्म में रखना चाहूं तो इसके फॉर्म में कैसे बदलूंगा, ये देखो आप माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में कैसे बदला जाएगा। यहां पर b से पहले माइनस है और b के बटे में कितना है a, तो हमें यहां माइनस ए से भाग कर देनी चाहिए। इसी तरह से ये अल्फा बीटा देखो, यहां ध्यान से समझना आप, मैं इसे हटा के यहां सही से लिख देता हूं, माइनस बी अपॉन ए है और यहां अल्फा बीटा सी अपॉन ए है। इतना समझ में आया। इसके बाद आप देखो कि हमें अगर माइनस बी अपॉन ए वाली ये वाली अगर फॉर्म स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इस वाले रूप इसमें ये माइनस बी अपॉन ए फॉर्म मिल जाए तो हम इस अल्फा बीटा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं? इस अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को इस रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में ए चाहिए और बी से पहले माइनस चाहिए, सिर्फ इतना ही तो चाहिए। तो क्यों ना हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें मिली हुई है इसमें माइनस बी से डिवाइड करा दें, इसलिए यहां जीरो रख के चलो। डिवाइड आप तभी करा सकते हो जब बराबर में कोई टर्म रखा हो, अगर बराबर नहीं है तो आप डिवाइड नहीं करा सकते। कंप्लीटेड स्क्वायर में सिर्फ इतना ही फर्क आता है ट्वेल्थ और टेंथ में, टेंथ तो आप बराबर में जीरो रख के चलते हो लेकिन ट्वेल्थ में वहाँ जीरो नहीं होता इंटीग्रल जब करते हैं,
तो वहां बच्चे वही गलती करते हैं 10वीं 10th क्लास वाली, कि वहां पर भी भाग कराते हैं, वहां पर हम भाग नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल में 0 रखा ही नहीं होता, तब हम वहां कॉमन लेना पड़ता है। इस बात इस फर्क का आप इस चीज का आप फर्क लेकर चलोगे अभी से, और ये ध्यान रखना जब 12th में भी आप मैथ करोगे, इस बात का ध्यान रखना कि हाँ वहां पर हमारे बराबर में 0 था, इसलिए हम सब में भाग करा पा रहे थे। माइनस किससे? बी से? नहीं, ए से। ए है ना, डिनोमिनेटर में ए चाहिए हमें। अब माइनस, अब ए से ए भाग करें तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस बी और एक्स आया नीचे, यहाँ है सी और यहाँ ए 0। अब यहाँ थोड़ा ये देखो सेम, थोड़ा क्या, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल हो ही गया। यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है चलो कोई नहीं। यहाँ माइनस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए की जगह अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिया, प्लस में अल्फा प्लस बीटा, और एक्स जैसा था वैसे रहा। पता है ना एक्स से पहले क्या है ये पूरा पार्ट, ये माइनस बी अपॉन ए है, तो हमने इस माइनस बी अपॉन ए की जगह ये अल्फा प्लस बीटा ही तो लिया है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए की जगह पर अल्फा प्लस बीटा लिया जा सकता है अब, क्योंकि यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए है ना एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ सिर्फ सी अपॉन है, तो ये माइनस अपना बना रहेगा। अब ये आप, आपको पता है ना प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया है, इसलिए हमें यहाँ प्लस रख के चलना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट ये अल्फा प्लस बीटा बन गया है, तो इसलिए यहाँ प्लस लेकर चलना पड़ेगा, ये प्लस है। इससे पहले कोई निशान माइनस लेंगे तो माइनस निशान को बदल देता, माइनस क्या करता, माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज कर देता है। पर अगर प्लस लेते हैं तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके कोई साइन चेंज नहीं करता है, इसलिए हम प्लस ले सकते हैं। और प्लस था भी पहले, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो पहले प्लस ही था, हमने सिर्फ यहाँ प्लस रख, प्लस जो था वो प्लस रहने दिया, यहाँ माइनस लगा दिया जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराया माइनस ए से। ये प्लस ये यहाँ ये है, और ये बी से पहले हमने माइनस और ए से डिवाइड करा दिया। अब ये देखो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये देखो अल्फा बीटा 0। अब इसके बाद ये साइन अगर हम सबके चेंज कर दे तो एक्स स्क्वायर से पहले माइनस नहीं रहेगा ना, माइनस वाले मैक्सिमम तुम्हारे पास तुम्हारे इस वाले सिलेबस में नहीं है। एक्स स्क्वायर से पहले कोशिश करना कि प्लस रहे। अब ये माइनस को, माइनस का साइन ये वाला चेंज करने के लिए हमें माइनस से भाग करनी पड़ेगी, और माइनस से भाग करने के लिए सभी साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स रहा, ये माइनस का प्लस हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये 0। अब ये देखो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था जिसका इस्तेमाल मैंने किया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0, वही फॉर्मूला है। इस तरह से आप ये इसका डेरिवेशन, इसको ड्राइव कर सकते हो। अब आपके समझ में आ गया होगा फॉर्मूला किस तरह से बना। तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये इजी रहेगा और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। देखो ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, उस तरह से करोगे तो लिखने में कंफ्यूजन भी हो जाता है। ज़्यादा टफ सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा है। अब आगे मैं कराता हूँ आपको।
पहले इसी तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं आपके 2.2 के दूसरे दूसरा क्वेश्चन, जल्दी हो जाएंगे। अब ये देखो, सॉल्यूशन हम पहले का कर रहे हैं, अब ये हमें जो दिया है यहां लिख देते हैं। यहां इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, हमें दिया क्या है, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना मिला यहां देखो, ये रहा 1/4, और अल्फा बीटा -1, द्विघात बहुपद x² - ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा और बाहर x है, उसके बाद प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0 है। यहाँ देखो x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है ना, x है उसके बाद माइनस 1, अल्फा बीटा की जगह ब्रैकेट में रखना, जब भी माइनस आए ब्रैकेट में। इसके बाद अब ये देखो यहां क्या है, आपके पास चार जो है सिर्फ एक ही डिजिट के नीचे है, एक ही टर्म में है, बाकी किसी में चार फोर नहीं है। तो अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर 3/4 - 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे इसके बाद इसके साथ ले सकती हो, या आपने 9th में और पिछली लास्ट जो पिछली क्लासेस थी 6, 7, 10 और 9th तक सभी क्लासेस में ये सब सिखाया गया है, फ्रैक्शन के सॉल्यूशन है, कोई भी नंबर इस तरह से हो और ये ऐसे हो तो जिसके नीचे नहीं है ये हर डिनोमिनेटर नहीं है उसमें मल्टीप्लाई करा के ऐसे करके इसके साथ में लेते हैं। अब ये देखो ये 4 किस किस के नीचे, इसे कहते हैं एलसीएम लेना, 4 x² के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 4 की मल्टीप्लाई x² से हो जाएगी, 4x², फिर x की 1 में -x, फिर देखो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई सीधी थी, यहाँ पर कोई x और 1/4 के बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं था इसलिए x और की 1 में मल्टीप्लाई होगी सीधे, लेकिन यहाँ प्लस आया है -1। अब यहाँ क्या करोगे, 4 से -1 की मल्टीप्लाई -4, यहाँ बराबर 0। उसके बाद अब अगर आप ये 4 रखो भी, क्योंकि सबके नीचे आ जाता है 4 और यहां पर बराबर में 0 लेकर चलोगे तब भी ये 4 यहां से हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहां पर ये डिवाइड में है, भाग कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर 0 के बराबर में जाएगा तो यहां ये जाकर के 0 से मल्टीप्लाई कराएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई हो 0 बन जाता है, इसलिए 0 बन जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 4x² - x - 4 ये है ना, चेक कर लेते हैं 4x² - x - 4। अब मैं इसको आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, 4x² - x - 4, 4x² - x - 4, यहां ये देखो ये आपको देख रहा होगा कि यहाँ ये जो यहाँ पर है
ये -1 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में है, और इसमें 1 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में है। -1 से राइट हैंड साइड, ये 1 से राइट हैंड साइड। तो ये जो दो जीरोज आ रहे हैं -1 से थोड़ा सा कम है। अगर इनको आप ऐड कराओगे दोनों जीरोस, तो आपके 1/4 जो ये दिया है 1/4 के इक्वल हो जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि सेम वही जितना इधर है, जितना ये इधर है, इतना ये इधर है, जितना ये इधर है, इतना ये इधर है। नेक्स्ट देखो, अब अगला क्या है। कोई और क्वेश्चन आएगा जिसमें बिल्कुल जीरोस ठीक बैठ रहा होंगे, उसमें मैं आपको और अच्छे से यहां पर प्रूफ दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ फिर से दिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि समझ में तो आ जाता है, लेकिन रिटर्न लिखना जरूरी, रिटर्न सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको पेपर दे के आना है रिटर्न में, ओरल नहीं पूछेगा वहाँ कोई। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा √2, और अल्फा बीटा कितना दिया है 1/2, 1/3 द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप ये भी लिख सकते हो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा 0। यहाँ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, √2 बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3 0। यहाँ फिर से देखो, जो डिनोमिनेटर है ना सब में उसी की मल्टीप्लाई होनी, 3 है ना नीचे, अब 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से √2 और एक्स से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका 3 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और ये प्लस 1 0। आपको ये पता ही है, अगर हम 3 नीचे लेते भी हैं तो ये 3 भाग में है, इधर जा करके 0 से मल्टीप्लाई करके 0 फिर से बन जाएगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं इसे, एक स्टेप बच जाएगी आपकी। फिर से दिया है आपके पास अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा √5। द्विघात बहुपद है बार बार लिखोगे तो ये याद भी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 0। अच्छा 0 आ जाता है तो खुशी होती है, 0 की वजह से कुछ तो टर्म जाने वाले हैं, कुछ टर्म से तो पीछा छूट जाएगा। तो अल्फा बीटा √5
बराबर 0। अभी देखो, 0 ने कुछ तो हेल्प करी ना, 0 कुछ तो हेल्प करेगा भाई। 0 मल्टीप्लाई करेगा एक्स से, ये तो खत्म, ये वाला मिडल टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई करके चल बसा। √5 यहाँ पर है और ये 0, तो आपके पास क्या x²√5। अच्छा ऊपर वाला भी, तो ये भी दोनों चेक कर लेते ना एक साथ में, 3x²-3√2x+1, 3x²-3√2x+1, x²+√5। अब ये, हाँ ये था। अब तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला था बस, वैल्यू रखनी है और आंसर आपके सामने। फिर से सॉल्यूशन दिया है आपको, अब की बार अल्फा प्लस बीटा। अच्छा 1 भी अच्छा नंबर है, 1 में भी मल्टीप्लाई करने से बच जाते हो, काफी इजी पड़ जाता है। 1 देख कर थोड़ी खुशी हो, 1 एंड 0, 0 देख कर भी खुशी होती है और 1 देख कर भी, है ना। तो अब देखें, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा 1 है, और इसके बाद द्विघात बहुपद आपको पता ही है, ये तो स्टेप इतनी ज्यादा है भी नहीं, दो ही स्टेप का द्विघात बहुपद लिखना है और एक दिया है लिखना है। ये थोड़ा हिंदी में लिखना बहुपद, और वो भी टैब से लिखना, बड़ा मुश्किल काम है। बहुपद ये है हमारे पास x²- ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, बराबर में क्या आएगा 0। हाँ वैसे जल्दी कंप्लीट इससे कर देते हैं क्योंकि लंबी हो जाती है वरना वीडियो। x² और अल्फा प्लस बीटा 1, और देखो ये पॉइंट का मतलब ये मल्टीप्लाई है, गुना का निशान है, पॉइंट मल्टीप्लाई लगाओ तब भी ठीक है, ये पॉइंट लगाओ तब भी। अल्फा प्लस बीटा 1 = 0, x², 1 से मल्टीप्लाई कराने का ये फायदा होगा कि एक्स ही आ जाएगा दोबारा से, +1 = 0। तो x²-x+1, x²-x+1। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये 2 रह गए, चलो इनको भी करते हैं। ये दिया है, मेरे अंदर आता है क्या, मैं छोड़ता नहीं, सारे क्वेश्चन कराना मुझे ज़्यादा पसंद है, वो अच्छी बात है, स्टूडेंट कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना घर पर करते हैं। वो एक अलग बात है, मेरी तरफ से हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि पूरा ही कराता हूँ, छोड़ता नहीं कुछ भी। द्विघात बहुपद कितना है, x²- ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और साथ में एक्स अल्फा बीटा बराबर में 0। अब ये देखो x² ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है ना आपके सामने, -1/4 एक्स अल्फा बीटा। याद रखना जब भी कोई चीज माइनस में आए ना तो उसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, ब्रैकेट के अंदर लेने से क्या होगा कि मिस्टेक के चांस कम नहीं बल्कि खत्म हो जाएंगे। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई, +1/4 x +1/4
जीरो। अब ये फोर, दो के नीचे तो फोर है, जिसके नीचे नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा बस एक लास्ट लास्ट यहाँ है। कहाँ गया? गलत जगह पर पहुंच गया। एक मिनट जरा। कॉपी गलत हो गया था। यहां पर करते हैं इसे कॉपी। यहां ये अब ये फिर से आपको पता, ये दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? अब की बार चार मिला है। अल्फा बीटा कितना मिला है? एक मिला है। द्विघात बहुपद फॉर्मूला तो शायद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। अभी तक तो शायद यही है, बदला नहीं है अभी तक। चलो अच्छा है, बदलेगा बदलेगा, सवाल बदलेगा तभी बदलेगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की बार फोर है, यहाँ एक्स रहा प्लस, ये देखो ये माइनस नहीं है बराबर है, वन हमारे पास है यहाँ और ये जीरो। अब यहाँ देख लेते हैं आंसर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है फोर। एक मिनट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अरे हाँ ये माइनस कैसे हो गया? यहाँ तो प्लस है ना, मिस्टेक हो गई, ये गलती से माइनस लग गया था। यहाँ प्लस है, प्लस ही रहेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये भी चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब ये देखो, ये चेक करते हैं फोर एन वन, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, बदला नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। चलो एक काम करते हैं, दोबारा से टाइप करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस है वन, ये साथ में कह क्यों रहा हूँ भाई? चलो अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये एक जीरोस ये है और एक जीरोस ये है, दो जीरोस हैं। अब जितना भी होगा ये अगर इन दोनों जीरोस को सम करेंगे तो फोर आएगा, और
प्रोडक्ट इनका बनाएगा, जैसे इसमें दे रखा है। अच्छा, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई आपकी, तो यहाँ ही छोड़ दें वीडियो। मैं सोच रहा हूँ जब कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, सभी करा रहा हूँ मैं, तो ये एग्ज़ाम्पल क्यों छोड़ें? ये थोड़ा एग्ज़ाम्पल लेंदी है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रख लिया था। ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ, भूला नहीं था। ये वाला एग्ज़ाम्पल भी कर ही लेते हैं। ये कुछ खास नहीं है इसके अंदर, तो पूरी 10th क्लास में कुछ खास नहीं है। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। एक बार थोड़ी मेहनत स्टार्टिंग में होती है, स्टार्टिंग में जब आपने ABCD सीखी थी तब भी आपको ABCD भी टफ लगी होगी, तो यही समझ लो। बाकी तो ये ABCD के बराबरी मुकाबले में इजी है, उसके बाद बहुत इजी लगने लगती है जब एक बार कर लेते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात 3 घात है ना इसके ऊपर, ये वाला त्रिघात बहुपद है। -3x³ - 5x²- 11x - 3, ये जो तुम्हारे पास त्रिघात बहुपद है के शून्य, एक शून्य किसने 3 दिया, एक -1। ये मैंने बताया था कि जितनी पावर होगी इस पे कितनी पावर, 3, तो इसके शून्य 3 ही होंगी। 2 शून्य 2 पावर, 4 पावर, तो 4 शून्य, जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्य होते हैं। तो आपने देख लिया ना कि 3 1 कहाँ गया, -1/3। ये क्या ना, जांच कीजिए, ये जांच करनी है हमें कि क्या ये इसके शून्य हैं। सबसे पहले ये है, इतना करते हैं फिर बाद में आगे पढ़ेंगे। अब जांच कैसे करें, मैंने ये बताया था, शून्यक मतलब उसका सॉल्यूशन शून्य होना, उसका आंसर शून्य आना, जीरो मतलब जीरो आना, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जो एक्स जहां जहां है एक्स की जगह पर अगर उसे रख दिया जाए तो आंसर जीरो आए। तो अगर मैं इस 3 को जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां अगर इसे रख दूं और आंसर अगर जीरो आएगा, तो ये 3 हमारा शून्यक होगा, वरना शून्यक नहीं होगा। शून्यक मतलब समझ गए ना, एक्स की वो वैल्यू जो एक्स की जगह रखने पर आंसर जीरो आए। तो हम इसे रख के देखना पड़ेगा हमें, यहाँ एक्स देखो, यहाँ एक्स है तो इसकी जगह हमने रखा 3, यहाँ एक्स है इसकी जगह हमने रखा, अब जहां भी ये रखोगे ना इसे ब्रैकेट में रखना, एक्स की जगह 3, फिर यहाँ भी एक्स की जगह। अच्छा बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हुआ है ना, आदत होती है बोलने की, पीछे पीछे बोलता जरूर है इंसान। हाँ तो नीचे थोड़ा, अब ये देखो ये डायरेक्ट कर लें, कर सकते हो ना आप, तो 3³, 3³ 27, 27, 27 3 टाइम्स 81, फिर उसके बाद 3² 9 और 9 5 टाइम्स 45, फिर यहाँ 11 3 टाइम्स 33, और ये -3। और इसमें क्या करना है, प्लस वाले सब एक साथ जुड़ जाते हैं, माइनस वाले सब एक साथ जुड़ जाया करते हैं। यहाँ 81, अब ये माइनस में 45, माइनस में 33, माइनस में 3, तो 33 एंड 3 36 एंड 45। स्टेप लिखवाई देता हूँ मैं, ये हो जाएगा ना इस तरह से, फिर 81 5 एंड 6 11 4 एंड 3 7 और एक 11 वाला 81, ये 0। इसका सॉल्यूशन आया 0, एक्स की जगह पर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने रख दिया 3, और 3 रखने के बाद हमने सॉल्व किया 0 आया, तो इसका मतलब ये 3 जो है इसका 0 है। उसके बाद क्या रखना था मैं भूल गया, देख लो एक बार, क्योंकि रट्टा थोड़ी ना लगता है इन चीजों का।
क्या क्या उसने दिया, माइनस, अच्छा ये -1 दिया, ठीक है -1 रखते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर 3 है, एक्स की जगह हमने -1 रखा और पावर 3 ही रहेगी। यहाँ -1 एक्स की जगह और स्क्वायर वैसे ही रहा, फिर -1 -3। अच्छा आगे करते हैं, ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ भी रखना क्या है, -1/3 रखना ना आपकी बार। अब ये -1, अच्छा यहाँ पर ये देखो -1 की मल्टीप्लाई हमें कितनी बार करानी पड़ रही है, 3 बार। माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस बना, प्लस से फिर माइनस की मल्टीप्लाई, फिर से माइनस हो जाएगा, मतलब -1। ये देखो -1 -1 की मल्टीप्लाई +1, और +1 की फिर से -1 में मल्टीप्लाई, समझ गया ना। तो ये फिर से -1, ठीक। तो -1 यहाँ आया, ये माइनस, अब ये -1 के -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो। याद रखना ये बात कि अगर पावर ये 2 से कट जाएगी तो माइनस हट जाएगा, वरना नहीं हटेगा। -1 -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये आया +1। मल्टीप्लाई में रखो चाहे ब्रैकेट में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और ये 11 की 1 में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद -3। आगे देखो -3 हो जाएगा, 3 की और -1 की मल्टीप्लाई, -5, और ये 11 -3। अच्छा मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, अब की बार -1/3 रखना है अब की बार में, चलो याद के लिए रखना है ना। अब यहाँ देखो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वाले को माइनस, 3 किसका, माइनस का, ये माइनस, 5 भी माइनस और ये 3 भी माइनस, 5 3 8 3 11, 11 माइनस का, 11 ही प्लस का, यानी 0। चलो जी ये भी हमारा शून्य है। अब -1/3 रखते हैं, -1/3 को यहाँ रखेंगे x की जगह पर। अब ये देखो यहाँ 3, ये यहाँ से देख सकते हो आप, ब्रैकेट के अंदर जहाँ था वहाँ वहाँ आपकी बार बदला जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर ये, यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर ये इतना हुआ। अब ये देखो पहले ध्यान से समझना, हाँ फ्रैक्शन आ गई ना, अभी फ्रैक्शन से इतने यूज टू नहीं हो तुम, तो इस वजह से फ्रैक्शन देखते ही जो ना स्टूडेंट थोड़े घबरा से जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, भिन्न वाले सवाल। अच्छा अब ये यहाँ पर क्या है, 2 की 2 से पावर ये कटेगी नहीं ना, तो ये माइनस हटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे ब्रैकेट में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाने में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन समझ में आने लगता है। अच्छा 1 1, अब ये पावर जो 3 है ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी है ना सब पर होती है, 1/1 3 पावर 1 ही रहेगा, 1/1 कितनी पावर भी हो, 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 की 3 से ये 27 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हट जाएगा क्योंकि 2 पावर है ना इस वजह से, और ये माइनस से माइनस प्लस, और 11/3 -3। अब यहाँ देखो अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ क्या करना है, कभी याद रखना, अगर जैसे आपके पास यहाँ मैंने बताया भी था आपको कि अगर ये मल्टीप्लाई है तो ऐसे डिवाइड हो जाता है क्रॉस में डिवाइड, तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि क्रॉस में डिवाइड हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -1/9। इसके बाद ये 5 की मल्टीप्लाई -5/3, और ये +11/3, और ये 3। इसके बाद आपको क्या करना है, इजी वे से मैं करा रहा हूँ इसे, बहुत इजी वे, जिस जिसके नीचे सेम नंबर है उन उनको ऐड करा दो, क्योंकि वही ऐड हो सकते हैं, वरना डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब
अब ये 11 प्लस में, 5 माइनस में है, तो 11 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 11 बड़ा है 5 छोटा, 11 बड़ा है 5 छोटा, तो जो बड़ा है साइन वो रहेगा। 11 से 5 गया, कितना बचा? 6। अब ये आया, इसके बाद ये देखो -1/9। अब यहां क्या करना है, सीधा सीधा ये 3 के, अभी एक बार चेक कर लेते हैं जरा, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, थोड़ा डाउट सा हो रहा है। यहाँ माइनस ही था, यहाँ माइनस, माइनस प्लस बनाया, ये माइनस, -3x³ -5x² माइनस, ठीक है यहाँ तक तो सही है। 27/9 -1/3, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जब ये स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहा, पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये 9 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से होता है, जब ये प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, खुद मिस्टेक का पता चल जाता है तुरंत कि हमसे कहीं मिस्टेक हो रही है। हाँ तो ये 9, इसके बाद ये यहाँ पर 9 होगा, इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये 3 है, तो 9 एंड 9 जिसके नीचे सेम नंबर है वो होंगे समान। ये तो था आपका 3, क्योंकि 11/3 ये है, और ये 9 यहाँ पर, ये थोड़ा ये कंप्यूटर पे है ना, तो कंप्यूटर में नज़र भी दौड़ नहीं पाती है इतनी, आप तो कॉपी पेन पे करोगे तो नज़र बिल्कुल सामने होती है, ये थोड़ा दूर रखा होता है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ 9, ये रहा 9, ये नंबर, ये देखो ये 9 एंड ये 9। अब ये 5 एंड -1 कितना हो जाएगा, -5 एंड -1 -6। 9 नीचे रहा, 11/3 -3। अब ये देखो ये 6 एंड 9 दोनों ही ऐसे नंबर है, जो याद रखना कि जैसे कोई भी नंबर ऐसा है जो किसी एक नंबर से कट रहा है, जैसे 22 है ये और ये 12, दोनों 2 से कट जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई नंबर कट रहा है, इसे कहते हैं साभाज्य बनाना, साभाज्य बनाना, इसलिए साभाज्य से बनाना। 6 और 9 दोनों किससे कट जाएंगे, 3 से, 6 एंड 9। 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में है, 3 दुनी 6 और 3 3 9, तो कितना आया, यहाँ ये आया आपके पास। और ये 11/3 -3,
अब इसके बाद फिर से ये सेम नंबर है डिनोमिनेटर, हर 11 में से 2 जाएगा, कितना बचा? ये प्लस में है तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का ही नंबर रहेगा, 11 में से 2 9। अब ये देखो, अब ये 9/3 तो 3 से कट करके 3 बन जाएगा, तो 9 से 9 में 3 की भाग हुई, 3 3 9 और 3, ये कितना आया? 0। अभी देखो ये भी 0 आया, इसका मतलब कि जितने जो इसने 3 0 दिए थे हमें, 3 नंबर दिए थे, वो तीनों नंबर, इसका मतलब वो तीनों जो नंबर है हमारे पास वो इस दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि सभी को एक्स की जगह पर रख रख कर हमने देखा और हर बार आंसर 0 आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0 का मतलब है कि उस एक्स की जगह पर उस नंबर को रख के देखो, आंसर अगर 0 आएगा तो 0 है, वरना नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अते जो तुम्हारे पास था, कितना कितना नंबर था बोल गया, थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री, थ्री माइनस वन और माइनस वन बाई थ्री दिए गए त्रिघात बहुपद का बहुपद के शून्यक है। ठीक, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन, अच्छा ये इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में नहीं देता इस तरह से कि सारी चीज़ को उसने दिया हो, और ये 4 नंबर का तो क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। अब ये आगे देखो, यहाँ से हमें आगे पढ़ना था ना, सिर्फ इतना हुआ अभी। इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब शून्य को और संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें क्या है, पहले क्या था? अल्फा बीटा। अब एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, एक का नाम क्या दूंगी? गामा, मैंने बताया था आपको। तो अब हमारे पास जो है अल्फा है, हमारे पास 3, बीटा है -1 एंड गामा जो हमारे पास होगा -1/3। अब ये हमें वहाँ पर क्या था, अल्फा प्लस बीटा चेक करना था, यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस तरह से ही चेक करना है। अब अल्फा प्लस बीटा चेक करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 -1 -1/3, ये क्या बनेगा? जिसके नीचे हर में कुछ नहीं है तो इस 3 के हम भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 1, जिस भाई 1 के नीचे तो पहले से 3 है, इसे सेम रहने दिया। अब 3 और 1 दोनों माइनस के, 3 और 1 हो गए 4, 9 में से 4 घटा तो 5/4, 9 बड़ा था, प्लस का बड़ा था इसलिए, अच्छा ये 3 है नीचे। अब ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता -b/a, -b/a, यानी माइनस अगर यहाँ आएगा इधर तो -5 हो जाएगा, तो b कितना होना चाहिए? -5, a कितना होना चाहिए? 3। ये देखो, ये तुम्हारे पास था -3x² - 5x² - 11x - 3। तो ये यहाँ पर ए ऐसे पढ़ना है, ए बी सी डी सबको आती है ना, ए बी सी और ये डी, वो तो आती होगी, होगी है, आती है, आज से नार भूल गए होंगे पर वो ए बी सी डी तो सबको आती है, आज से नार याद नहीं रहते। अच्छा 3 कितना है? ए, वैसे उसका फॉर्मूला है सेनार का भी, कचट तप याद रखने का।
ए 3 है, बी -5 एंड सी -11, डी -3। चाहो तो आप इसे रख सकती हो, ए 3 -5 -11 -3, 3 -5 -11 -3। यहाँ लिख लेते हैं आप इसे, ए है 3, बी -5, सी -11, डी कितना था? अरे भूल जाते हैं अभी, थ्री -5 -11 -3, 3 -5 -11 और -3। अभी देखो, चाहे तो आप इसे जैसे मैंने करवाया था पिछला क्वेश्चन, आप वैसे ही कर लो इसे, उस तरह से ठीक रहेगा, प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ ये अल्फा प्लस -b अपॉन a होता है, अल्फा की जगह कितना है, 3 -1 -1 बाई 3, -b की जगह -5 और a की जगह 3। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, यहाँ पर ये 3, अब यहाँ पर ये कितना हुआ, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई 5/3। अब यहाँ देखो, यहाँ 5/3 आ रहा है और यहाँ पे 5/3। ये स्टेप प्रूफ, उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये आपको याद करना पड़ेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना -1, प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3। उसके बाद अल्फा 3 -1/3, सी कितना है -11/3, तो -11/3 आना चाहिए। थ्री की मल्टीप्लाई -3, फिर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई 1/3, और थ्री से ये 3 कैंसिल आउट। अच्छा, कैंसिल आउट ना करके इसे आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हमें 3 मिल रहा है ना, इसलिए 3/3 -11/3। अब ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, 3 की मल्टीप्लाई -9 -1 -3 अब ये सब माइनस में है, 9 1 10 और 3। एक मिनट, ये तुम्हारा यहाँ पर प्लस है, 9 एंड 9, -9 + 1 -8, -8 और -3 -11, -11 3 और ये 11/3। उसके बाद अब है अल्फा बीटा और गामा, ये होते हैं -d/a। अल्फा 3 -1 -11, ओ -1/3, अब याद हो गया ये। हाँ, इतना टाइम हो गया इस क्वेश्चन को करते हुए, याद हो ही जाएगा, काफ़ी बार इस्तेमाल में आ गई ये चीज़ें। अब देखो क्या था, डी कितना था, -3 था, -3 a3। -3 a है 3। अब इसके बाद
तीन की मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो रही है, माइनस की माइनस से प्लस, और तीन की मल्टीप्लाई 3/3, यहाँ माइनस एक ये फॉर्मूले का है ये वाला माइनस, और डी भी माइनस में ही 3 है, तो इसलिए ये 3/3। सब वेरीफाई हो गए, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है। तो आपका ये 2.2 कंप्लीट, और 2.3 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।